निलंबित अधिकारी पूजा सिंघल की 83 करोड़ की संपत्ति जब्त करेगा ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी। मनी लॉन्ड्रिंग संशोधन मामले में झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और अन्य की 82.77 करोड़ रुपए की संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय जब्त करेगा। ईडी ने गुरुवार को इस कार्यवाही के बारे में जानकारी दी। निदेशालय ने कहा कि संपत्ति जब्त करने के आदेश की पुष्टि मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के निर्णायक प्राधिकरण ने कर दी है। कानून के अनुसार प्रिवेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण के अंतिम आदेश की पुष्टि करने के बाद एजेंसी अटैच की गई संपत्तियों को जब्त कर सकती है। जिन संपत्तियों को जब्त करने की पुष्टि की गई है वे 82.77 करोड़ रुपए की है और पीएमएलए के प्रावधानों के तहत पिछले साल 1 दिसंबर को ईडी ने अस्थायी रूप से अटैच की थी। संपत्तियों में पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नामक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर नामक डायग्नोस्टिक सेंटर, उनके संयंत्र और मशीन और रांची में स्थित 2000 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा ISA के अधिकारी सिंघल को मनरेगा योजना में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 11 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। उनके पास झारखंड खनन सचिव का पदभार था और गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। सिंघल अभी न्यायिक हिरासत में है और रांची में होटवार जेल में बंद है। एजेंसी ने उसके परिसरों पर छापेमारी भी की थी। मामले में व्यवसायी पति और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल है। उन्हें राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया था।